लोगों ने, जिन काले छह लोगों ने गिरफ्तारी की, सीआरपीएफ उन्हें मिली, हरियाणा पुलिस उन्हें मिली, हेलीकॉप्टर उन्हें मिले। 22 तारीख को बजट खराब होना था, 27 तारीख को स्पीकर के पास जाकर उन्हें धमकाया गया। पार्टी के नेता और जो कांग्रेस के काले नाक थे, उन्होंने अपनी ईमान को बेच दिया और 22 तारीख को, 22 तारीख को बजट पास होना था, 22 तारीख को बजट पास होना था, 27 तारीख को स्पीकर के पास जाकर उन्हें धमकाया गया। और देखिए, जिन लोगों ने, जिन काले छह नागों ने गिरफ्तारी की, वो सड़क रास्ते से नहीं आए, सीआरपीएफ उन्हें मिली, हरियाणा पुलिस उन्हें मिली, हेलीकॉप्टर उन्हें मिले, हेलीकॉप्टर से आए और बजट में अंदर नहीं बैठे, कांग्रेस के पक्ष में वोट नहीं दे बैठे। उस बजट में ये सारी योजनाएं थी जो गरीब के लिए थी, आम आदमी के लिए थी, किसान के लिए थी, कर्मचारियों के लिए थी। 4% का डीए हमने दिया, हमारे महिला कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी के कितने भी थे, पुलिस कर्मचारियों को 210 रुपए मिलते थे टैक्स मनी के, मैंने 5 गुना बढ़ा कर दिए। ये पैसा कहां से आया? ये उस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, जो भ्रष्टाचारी पतले दरवाजे से भ्रष्टाचार कर रहे थे। पर मैं इन चीजों से घबराने वाला नहीं, आप लोगों का मुझे साथ चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आने वाले 4 वर्षों में 5 वर्षों में हम हिमाचल को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाएंगे। और 10 वर्ष में हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।